हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट और लेवल और कितना नीचे जा सकता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि मार्केट डेली गिर रहा है डेली। लेकिन आज के डेट में दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्री टूटा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखो वन डे के अंदर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेवी गिरावट हो गया और 1100 के आसपास ही आ गया। मतलब कि दोस्तों ऐसे स्टॉक इस टाइम में बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं। मार्केट बहुत पहले से गिर रहा है, हम 5 डेज का जो है कैंडल देखते हैं, ठीक है। जब 5 डेज का हम कैंडल देखते हैं तो दोस्तों ये देखिए 1200 के आसपास ये सपोर्ट बना रहा था, यहाँ देखिए 1200 के ऊपर ही, ठीक है। ये जो लेवल है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो लेवल है ये दोस्तों 1200 के आसपास ही रहता था, लेकिन आज के डेट में दोस्तों ये 1200 का लेवल तोड़ दिया और 1100 के लेवल में चला गया। तो हम इसे स्टॉक को, इस स्टॉक को, रिलायंस इंडस्ट्री को किस प्राइस पर खरीदना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आज जो मार्केट गिरा है ना वो सबको हिला दिया, वो दोस्तों वो सबको हिला दिया। इतने सारे स्टॉक हैं जो आपको चीपर, मतलब जो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, लेकिन क्या करें अब भी मार्केट स्टेबल ही नहीं हुआ जिससे हम खरीदना स्टार्ट करें। दोस्तों 3 ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट कितना भी गिर जाए लेकिन दोस्तों वो 3 स्टॉक नहीं गिरने वाले हैं, कितना भी उसका इतना सपोर्ट लेवल है दोस्तों। अगर हो सकता है कि 2 सप्ताह कंटिन्यू मार्केट गिर जाएगा तो गिर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर 2 सप्ताह कंटिन्यू मार्केट गिरते रहे तो दोस्तों ये 9000 के आसपास भी, 8000 के आसपास भी आ सकता है दोस्तों, 8000 के आसपास भी निफ्टी आ सकता है, ठीक है। अगर 8000 के आसपास निफ्टी आया तो बहुत ज्यादा गिरावट होगा। ये दोस्तों IRCTC की तरह गिरा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 156 पॉइंट गिरा है, ये बहुत ज्यादा हेवी गिरावट है इसमें। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इस गिरते हुए मार्केट में हमें रिलायंस इंडस्ट्री को किस प्राइस पर ख़रीदना है जिससे हमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सके। मैं बोल देता हूँ एक चीज़, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मार्केट गिर रहा सही है, ठीक है, लेकिन जिस दिन बाउंस बैक मारना स्टार्ट किया ना, मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। वो मतलब पहले से ही तैयारी करके रखो तो क्या होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहेगा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का भी जो है आपके सामने हालत रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 6 महीने की डेटा में देखते हैं, 1 साल, ठीक है। मार्केट ये देख लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये 1600 से गिरना स्टार्ट किया, तो एक बात चेक कर लो, ये 1600 से गिरना स्टार्ट किया दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों 1000 रुपीज़ के आसपास आना स्टार्ट हो गया। अराउंड ये 50% तो गिर चुका है, ठीक है, नहीं 50% नहीं दोस्तों, कम से कम 30% के आसपास गिर चुका। लेकिन इससे भी अच्छा स्टॉक है एक दोस्तों, जो मान लीजिए वो भी 1500 के आसपास था, लेकिन दोस्तों अभी भी वो 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि उसमें केवल 200 पॉइंट का गिरावट हुआ है, इतना स्ट्रांग स्टॉक है वो। तो दोस्तों रिलायंस में कौन से प्राइस पे ख़रीदारी करना चाहिए, तो दोस्तों 1000 रुपीज़ के नीचे जाएगा, 1000 रुपीज़ के नीचे जाएगा तो हमें इसे दबोच के ख़रीदारी करना चाहिए दोस्तों। 1000 रुपीज़ का ये जो लेवल है ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देख लो दोस्तों 1000 रुपीज़ के प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों ये जो सपोर्ट बनाया है ना ये बहुत डेंजर है। यहाँ पर देख लो, इसके बाद दोस्तों ये जो सपोर्ट बनाया है बहुत डेंजर है, यहाँ पर देख लो कितना मार्केट भी वोलेटाइल होगा दोस्तों, ये लेवल को नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ देख लो 900, मतलब 900 to 1000 ये लेवल में जो आप ख़रीदारी कर सकते हो इस प्राइस में। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट होने लगा तो ये लेवल में आपको ख़रीदारी करना चाहिए, और स्टॉप लॉस तो इसका निकल चुका है दोस्तों, क्योंकि गिरावट जो है इसमें कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर 2 से 3 सप्ताह तक मार्केट ऐसे ही गिरता रहा, 2008 की मंदी अगर आ जाती है, तो दोस्तों ये स्टॉक ये लेवल में 900 to 1000 के लेवल में हमें ख़रीदना बहुत बेस्ट है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये स्टॉक ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता दोस्तों, अगर गिरावट हो सकता है तो 200 पॉइंट के आसपास। इस प्राइस पे जो खरीदेगा दोस्तों उसको एक अच्छा लेवल के साथ, अच्छा सपोर्ट के साथ उसको जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जब यहाँ पर स्टॉक तोड़ा था दोस्तों इस लेवल को 1400 को, तो यहाँ पर आके रुका था, इस लेवल पर रुका था, देख लीजिए इस लेवल पे आके रुका था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पर कहाँ था दोस्तों, 1100 पे था, ठीक है, 1100 पे था, और फिर उसके बाद 1100 से बाउंस बैक मारना स्टार्ट किया तो दोस्तों 1600 तक चला गया। ये जो सपोर्ट है देखिए, ये दोनों सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर मीच हो रहा, यहाँ पर देख लीजिए ये पहला वाला और उसके बाद ये दूसरा वाला, दोनों एकदम देखिए एग्जैक्ट सेम पे आकर रुके हैं। हो सकता है कि दोस्तों इसको तोड़ दे, लेकिन जब इसको तोड़ेगा, ये देख लीजिए डबल बॉटम इसको बोलते हैं दोस्तों, डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देख लीजिए, डबल बॉटम का मतलब होता है दोस्तों, जब स्टॉक डबल बॉटम मारेगा तो वहाँ पर हमें खरीदारी कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही डबल बॉटम मारा दोस्तों, उसके बाद ये देखिए, फर्स्ट ये डबल बॉटम मारा, उसके बाद सेकंड ये मारा, और सेकंड ये मारने के बाद जो है इसमें एक अच्छा सा बाउंस बैक देखा गया। अगर आप चाहो तो मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूँ अच्छा से। यहाँ पर जूम नहीं हो रहा भाई साहब, जूम हो जाओ, दिखाना है। हाँ ये देख लो दोस्तों, ठीक है ये देख लो, ये देखिए डबल बॉटम, ठीक है डबल बॉटम। जब पहला बॉटम मारा तो सही था, लेकिन जब दूसरा बॉटम मारा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए तो ये क्या हो गया, एक लाइन, एक इसका सपोर्ट लेवल आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है दोस्तों सर्कल करके, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद से जब ये बाउंस बैक मारना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर हाथ में नहीं आएगा, देख लीजिए। फिर ये हाथ में किसी का स्टॉक आया, इतना हाई चला गया, देख लीजिए ये लेवल को भी तोड़ दिया दोस्तों। जिस ये 40 का लेवल में ये चल रहा था, वो लेवल को भी ये तोड़ दिया। और ये कौन सा है दोस्तों, डबल बॉटम, ठीक है डबल बॉटम का चार्ट है। तो यहाँ जितने भी सारे स्टॉक है, ये भी देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, ठीक है ये भी देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है सारे स्टॉक। तो ये होता है दोस्तों डबल बॉटम, और उसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर एक डबल बॉटम का चार्ट बना दिया है दोस्तों। ये फर्स्ट वाला बॉटम है, ये सेकंड वाला बॉटम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं बाई चांस मंदी ऐसे ही चलती रही कंटिन्यू, ठीक है, मैं तो बोलूँगा यहाँ पर आपको खरीदारी कर लेना चाहिए। अच्छा खासा आप खरीदारी कर लो, प्रॉफिट तो होगा आपको, होगा भाई, ठीक है। पहले देख लो, दोबारा मौका तो नहीं मिलने वाला, पहले बोल रहा हूँ दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मंदी में इतने अच्छे अच्छे स्टॉक इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, और ये रिलायंस भी, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिनको खरीदना है भाई खरीद लो, ये लेवल फिर आने वाला नहीं है, ठीक है ये लेवल फिर आने वाला नहीं है। आपको अच्छा खासा आपको जो हाथ से प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको जो है मैंने बोला 900, अगर ज़्यादा ज़्यादा मंदी आ जाती है तो कौन से 900 टू 1000 के लेवल पे आपको खरीदना, जो कि देखिए थोड़ा और गिरावट हो सकता है, देखिए ज़्यादा गैप अप नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम के बाद अगर मान लीजिए इसको तोड़ दिया डबल बॉटम को भी, तो इस जगह पर तो आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो ये दो जो जगह है ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो रिलायंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर 2000 से अगर फिर सेंसेक्स गिरता है 2000 पॉइंट आने वाले दिनों में कभी भी, तो दोस्तों नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा भी गिरावट होगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक का एक रियल वैल्यू भी होता है, उसके आसपास जाके वो जो है आपको वहाँ पर ही देखिए आपको अप डाउन करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इन्फॉर्मेशनल अच्छा लगा, तो दोस्तों लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वो कौन से तीन स्टॉक है जो आपको खरीदना ही खरीदना चाहिए, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।